यह सुन के दोनों कान मेरे झन्न हो गए। भैया यह सुन के दोनों कान मेरे झन्न हो गए, सब घाव मेरे दिल के टना टन हो गए। ओ तुम जाओगी तो दूसरी को मौका मिलेगा, तुम जाओगी तो दूसरी को मौका मिलेगा, यह सोच करके हम बड़े प्रसन्न हो। पर इस कवि सम्मेलन का मैं बैलेंस बनाना चाहता हूं। यहां पर ओज की बात हुई, प्रेम मनोहार की बात करने के लिए हास्य की बात हो चुकी है, अब मैं गीतों के राजकुमार को बुलाना चाहता हूं। राय बरेली से हमारे बीच में उपस्थित हुए कवि अमरपाल, एक बार जोरदार तालियों से आवाज दीजिए अमरपाल को। बिना रेफरेंस इंटरव्यू में सीवी कौन पूछेगा? पीछे कुछ आवाजें आ रही है, मैं चाहता हूं थोड़ा से आप शांत मन से सुन लीजिएगा, बड़ा अच्छा लगेगा। सुनाइए। बिना रिफरेंस इंटरव्यू में सीवी कौन पूछेगा, जमाना रील इंस्टा का तो टीवी कौन पूछेगा, कौन पूछेगा, जहां पर संस्कारों की डिलीवरी ऑनलाइन हो वहां मोबाइल के आगे बीवी कौन पूछेगा। बहुत अच्छे। कि करते हुए जब प्यार में अपने फिसल गया, करते हुए जब प्यार में अपने फिसल गया, एक बात से इस प्रेम का किस्सा बदल गया, एक रोज प्रेमिका ने आकर के ये कहा, सुनिएगा, एक रोज प्रेमिका ने आकर के ये कहा, जो दिल में नहीं वो दिमाग से। गजब। और जब इतनी बात कही तो हमारा जैसा लड़का भी खड़ा था वहां, यह सुन के दोनों कान मेरे झन्न हो गए। भैया यह सुन के दोनों कान मेरे झन्न हो गए, सब घाव मेरे दिल के टना टन हो गए। ओ तुम जाओगी तो दूसरी को मौका मिलेगा, तुम जाओगी तो दूसरी को मौका मिलेगा, यह सोच करके हम बड़े प्रसन्न हो। वैसे मैं प्रेम का कवि हूं, श्रृंगार पढ़ता हूं, मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूं उसके बाद अपना एक गीत पढ़ता हूं। आपने मां मीरा का नाम सुना होगा, मैं मां मीरा की प्रेम में एक गीत पढ़कर जाता हूं, दो बंद का गीत है वो सुनिएगा। स्वागत स्वागत। कि होंठ सहे में हुए कांपते रह गए, होंठ सहे में हुए कांपते रह गए, हर जगह बस तुम्हें भांपते रह गए, हर जगह बस तुम्हें भांपते रह गए, प्रेम का एक तराजू बनाए हुए, प्रेम का एक तराजू बनाए हुए, प्रेम अपना सदा आंकते रह गए, प्रेम अपना सदा आंकते रह गए। एक मुक्तक देता हूं कि कंकड़ वो मारे जिनका घर कांच का बना। तालियां नहीं मांगता हूं, लेकिन चौथी पंक्ति में अगर मैंने सत्य कह दिया हो, एक नई बात कह दिया हो, तो तालियों से आवाज देना जी। कि कंकड़ वो मारे जिनका घर कांच का बना, कुछ देश के लोगों में कैसी विडंबना, मानो की मानसिकता इतनी बदल गई, मानो की मानसिकता इतनी बदल गई, लिख कर बता रहे हैं लिखना यहां मना। ये है बढ़िया, जिस कर इधर बता रहे हैं लिखना है यहां। इधर हमारी बहने बैठी हुई, इधर हमारे भाई साहब बैठे हुए हैं। माँ बाप के लिए बेटे और बेटियां किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूं।
हम बेटे हड़प्पा की खुदाई से थोड़ी आए हैं कि तुम खुशियों की कली तो हम उदास फूल हैं। सुनिएगा चौथी पंक्त पर एक नया प्रयोग देखिएगा। तुम खुशियों की कली तो हम उदास फूल हैं, तुम घर की लक्ष्मी हम पैसा वसूल हैं। तुम घर की लक्ष्मी हम पैसा वसूल हैं, माँ बाप की हम दोनों दवाइयां बने, माँ बाप की हम दोनों दवाइयां बने, तुम टिकिया डाई जिनकी हम भी कसूल हैं, तुम टिकिया डाई जिनकी हम भी कसूल हैं।